Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? Yes, आज आ रहा है सेशन रिक्रूटमेंट एजेंसी पे. अगर हमें अपना करियर बनाना है रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ, या फिर हमें ना अचानक से अपॉर्चुनिटी मिल गई है रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टाफिंग एजेंसी के साथ, तो क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए? रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी, स्टाफिंग एजेंसी, कुछ भी हो सकती है ये. तो हमें क्या जाना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम वहाँ कोई करियर नहीं है. बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ करियर बहुत अच्छा है, रिक्रूटमेंट के लिए अच्छा है, रिक्रूटर्स के लिए अच्छा है, एचआर के लिए अच्छा नहीं है. तो हम सारे एस्पेक्ट यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज इसके लिए आई हुई हैं. पहले मैंने बहुत बार कमेंट सेक्शन में भी इसे आंसर किया है, लेकिन वहां से क्योंकि आपने कमेंट्स नहीं देखे, बहुत बार सेशंस में भी डिस्कस किया है लेकिन वहां पे आपने सेशंस नहीं देखे हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है. एचआर रिक्रूटर की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने कई बार बहुत सारे सेशंस में डिस्कस किया, बहुत सारे सेशंस आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे पिन कमेंट में, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो एक हैबिट डाल लीजिए कि पिन कमेंट से ना सेशन जरूर चेक किया करिए. प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं कि सेशन के टाइटल क्या है, समझ आए तो सही, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है. देखिए, सबसे पहली चीज है लर्निंग एक्सपीरियंस. रिक्रूटमेंट एजेंसी में ना आपको बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा. किस चीज का मिलेगा? सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट का मिलेगा, टैलेंट एक्विजिशन का मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेस का मिलेगा. ये रिक्रूटमेंट एजेंसी ना आपको ये पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कैसे होता है, कैसे रिक्वायरमेंट आती है, कैसे फुलफिल करनी होती है, और सारी चीजों के बारे में बहुत ही एक्सपोज कर देगा. वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज होगी. इसी के साथ साथ बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी, वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज. क्योंकि आप जब भी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री के रिक्रूटमेंट आपको करने को मिलेंगे, डिफरेंट जॉब रोल्स की हायरिंग करने को मिलेगी, हायरिंग प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट जॉब रोल्स. अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कंपनी में क्या होता है, वहां पे जितने डिपार्टमेंट हैं उससे रिलेटेड जितने प्रोफाइल हैं सिर्फ वो मिलते हैं. ठीक है, अब अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी हो सकती है या तो वो फाइनेंस की कंपनी हो, या वो हो सकती है ऑटोमोटिव कंपनी हो, या फिर वो टेक की कंपनी है, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे. लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंसी में जब आप काम करते हैं तो कभी किसी इंडस्ट्री के मिल जाएंगे, कभी किसी इंडस्ट्री के मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि वहां पर किसी एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जॉब रोल के लिए आपको बिठा दिया है. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो सेम ही टाइप के प्रोफाइल्स आपको बार बार मिलते हैं, लेकिन जहां आप ग्रो करते जाते हैं धीरे धीरे, तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगे काम करने के लिए. तो इससे सबसे पहली चीज, अगर आप फ्रेशर हैं या आपने ज्यादा काम नहीं किया हुआ है, तो आपके सामने ना ये बहुत सारे डोर्स ओपन होने वाले हैं लर्न करने के लिए अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट जॉब प्रोफाइल्स, अबाउट रिक्रूटमेंट, अबाउट हायरिंग प्रोसेसेस. तो ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है. इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब आगे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. अभी मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ एडवांटेजेस पे. ठीक है, चैलेंजेस भी हम जरूर देखेंगे. नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क. सी, जब आप इतने सारे इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए हायरिंग करेंगे, इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत अच्छा आपका बिल्ड होगा. यहाँ से आप यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे वेरियस प्रोफेशनल्स से, हायरिंग मैनेजर से, कैंडिडेट से. हायरिंग मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की आपसे बात कर रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल रही हैं, आपके पास एक्सेलेंट चांस है एक्सपेंड करने का अपने प्रोफेशनल नेटवर्क. यस, आप उन्हें प्रोफेशनल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लिंक्डइन, आप उनसे और फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल हो सकता है आपके फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी में मैम ना 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, यहां से निकल नहीं पा रहे. अरे, आपने जो प्रोफेशनल नेटवर्क मेंटेन किया है, नहीं भी किया है तो अब भी करिए. जो प्रोफेशनल नेटवर्क है कुछ तो होगा, उन्हें क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं, वहीं से आप जॉब्स क्यों नहीं स्विच करते हैं. बहुत आसानी से आप उन कंपनीज में जॉब्स पा सकते हैं, या फिर उन कंपनी के क्या प्रोसेसेस होते हैं ये सब आपको पता है, तो आप कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब्स मिल सकती हैं. लेकिन क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं यहां से निकल के हम खुद ही अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहते. तो जो लोग स्टक रहते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी में ही, वहीं से स्टार्ट किया और वहीं पर ही स्टक हैं, उनकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. सिर्फ यही नहीं होता कि आप किसी कंपनी से बंधे हैं तो आपके ऊपर एक ऐसा मार्क लग गया कि बस आप वहां से निकल ही नहीं सकते. नहीं, हम खुद भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम खुद भी लर्न आउट नहीं कर पाते, हम खुद भी उस प्रोफेशनल नेटवर्किंग को प्रॉपर यूज नहीं कर पाते. यू कैन यूज दिस प्रोफेशनल नेटवर्किंग इन अ बेस्ट वे, बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं अपने करियर को स्विच करने के लिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो आपके कनेक्शन में हैं. ऑब्वियसली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे मेंटेन करते हैं. अगर आप ये सोचेंगे मैंने 4 साल पहले किसी के लिए हायरिंग की थी, उसके बाद मैंने कभी कोई इंट्रैक्शन नहीं किया, ना तो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, ना मैसेज कर रहा हूँ, उसको मेरा से इंट्रैक्शन भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है,
तो फिर वो कहीं ना कहीं कनेक्शन उतना सॉलिड नहीं रहेगा। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ वंडर्स कर देंगे तो वो भी नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि मे बी पॉसिबल उन्हें ये याद भी ना हो कि आपका और उनका मीटअप कहाँ हुआ था। ठीक है, सो ऑब्वियसली नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, बिल्ड करे रहने के लिए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपिंग एसेंशियल स्किल्स। नाउ सी अगेन, देखिए क्या है, रिक्रूटमेंट में ना बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गई, नेगोशिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये जो स्किल्स है ना, ये अगर आप कंपनी में जाएंगे तो बहुत बार मिस हो जाए। कंपनी में हो सकता है आप उस तरीके से वो चीजें ना सीख पाए, क्योंकि अगर आप एक रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में है वहां पे, तब भी क्या होगा, आपको और भी काम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट के साथ ये वाली स्किल्स जो रिक्रूटमेंट के साथ ये अटैच्ड है, मतलब कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट में कैसे अच्छे से किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, नेगोशिएशन कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे, ये आपका बहुत सॉलिड हो सकता है। और ये जो स्किल्स हैं ये ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, मतलब ये किसी भी अदर रोल में भी काम आती हैं, किसी भी अदर इंडस्ट्री में भी काम आएंगी। कम्युनिकेशन किसी भी प्रोफाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, नेगोशिएशन हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे नेगोशिएशन कैसे इम्पोर्टेंट है, नेगोशिएशन तो सिर्फ सैलरी के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं है, कस्टमर सेल्स हर जगह इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी चीज परचेज भी करने जा रहे हैं, वहां भी नेगोशिएशन स्किल्स काम आती है। टाइम मैनेजमेंट तो 24 आवर्स के लिए जरूरी है, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है, राइट। सो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स है, ये स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो या आप किसी भी रोल और इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। जो एक मिथ है हमारा कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो मैं यहीं रह जाऊंगी या यहीं रह जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द जॉब मार्केट। नाउ सी, जॉब मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत यूनिक है, बहुत तरीके से यूनिक है, मतलब हर एरिया में वो डिफरेंट है। मार्केट आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट बिल्कुल एक तरीके का है, किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट एक अलग तरीके का होता है, किसी प्रोडक्ट के लिए अलग होता है, किसी सर्विस के लिए अलग तरीके का होता है, किसी हायरिंग के लिए अलग तरीके का होता है, किसी टाइप की हायरिंग के लिए, किसी टाइप के कैंडिडेट्स के लिए, राइट। सो मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आता है मार्केट के बारे में, किस तरीके की चीजें, ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, इन डिमांड स्किल्स क्या है, हायरिंग लैंडस्केप क्या है। सी, इन डिमांड स्किल्स क्या होती है, अब आप बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, आप बहुत डिफरेंट रोल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो रोल्स में और इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको तुरंत पता चल रहे हैं, क्योंकि जब आपको हायरिंग करनी है तो आपको बताया जा रहा है, हायरिंग मैनेजर आपको बता रहा है यार ये वाली भी स्किल मुझे चाहिए, भाई AI आ गया है तो अब AI आना चाहिए लोगों को, ChatGPT आना चाहिए, उसका हम यूज कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है यार ये चीज बिल्कुल लेटेस्ट है, कैंडिडेट्स में ये चीज भी चाहिए। तो इन डिमांड स्किल्स कौन सी है, सबसे ज्यादा सबसे पहले किसे पता चलेंगे, आपको पता चलेंगे, मतलब वहां पे वैकेंसी अराइज हुई और उसमें जो चेंजेस आए, जो मार्केट में चल रहा है वो आपके पास आ गया, हायरिंग लैंडस्केप क्या है। और ये जो नॉलेज है ना, ये हमेशा आपके लिए एडवांटेजेस हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं किसी और एरिया में HR के, या फिर आपको डिफरेंट करियर पाथ ही मूव करना चाहते हैं, तो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस प्रोफाइल के लिए क्या इन डिमांड्स, क्या सर्टिफिकेशन होने चाहिए, क्या कोर्सेज होने चाहिए। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम इसके लिए क्या होना चाहिए, मैम इसके लिए क्या होना चाहिए, कहीं पे भी पूछते हैं, राइट। तो वो आपको खुद से पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप उनके लिए हायरिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो हायरिंग की रिक्वायरमेंट्स आएंगी वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है देखिए, कमीशन बेस्ड अर्निंग्स। नाउ कमीशन बेस्ड अर्निंग्स क्या है, रिक्रूटमेंट एजेंसी में ना बहुत बार कमीशन बेस्ड अर्निंग्स होती है। क्या होता है, कैंडिडेट्स को ना एडिशनल इनकम दी जाती है, मतलब कुछ फिक्स पोर्शन है, कुछ वेरिएबल पोर्शन है। इससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी अराइज होता है, अरे यार देखो फिक्स तो मेरा इतना है, ये तो मुझे मिलता है, लेकिन यार मैं जितना अच्छा काम कर लूंगी ना उतना मुझे ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है ये और बढ़ता जाएगा मेरा, तो ऑब्वियसली मेरी जो मंथली इनकम है वो बढ़ जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस क्या है, हम अक्सर कहते हैं यार मुझे जो सैलरी मिल रही है महीने की, जो सेट हो गई थी मेरी सैलरी महीने की, वो ना कम है, अब मुझसे काम तो ज्यादा लिया जाता है और सैलरी मुझे कम दी जाती है। अब जहां पे इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम है वहां क्या हो रहा है, आपको तुरंत ही आपके काम का पैसा मिल रहा है, मतलब इंसेंटिव कमीशन, आपने ज्यादा काम किया तो आपको ज्यादा कमीशन मिल गया, आपको ज्यादा पैसे मिल गया, तो ऑब्वियसली आप सैटिस्फाइड काफी ज्यादा फील करोगे, क्यों, क्योंकि फिक्स सैलरी तो वही है, कितना ही काम कर लो वही फिक्स सैलरी मिलेगी। हमें ऐसा लगता है ना मॉनेटरी हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है, चाहे नॉलेज भी मिल रही होती है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल है, इंसेंटिव सिस्टम कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है कमीशन सिस्टम, तो यहाँ पर ये भी एक एडिशनल इनकम कह सकते हो, और एक यू नो सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड भी है क्योंकि हमें एडिशनल इनकम मिल रही है अगर वो कमीशन बेस्ड है। नेक्स्ट आ रहा है देखिए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब कैसे, देखिए बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है करियर एडवांसमेंट की। आपने कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ एबिलिटीज प्रूव कर दी, बस अब आपके पास चांस है कुछ और सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का या फिर मैनेजमेंट रोल्स में जाने का।
पहले आप गए तो आप रोज हायरिंग कर रहे थे, आपके पास टारगेट्स थे, भाई मुझे 10 हायरिंग करके देनी है, मुझे ये 20 हायरिंग करके देनी है। उसके बाद क्या हुआ भाई, आपने प्रूफ कर दिया अपना, आपने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और कर दिया। 1, 2, 3, 4 साल हो गए, साल कितने भी हो सकते हैं, राइट, उतना टाइम हो गया। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद अब क्या हुआ, अब भाई आपके नीचे रिक्रूटर्स हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी में बात कर रहे हो, सिर्फ आप हायरिंग मैनेजर से वैकेंसी ले रहे हो, समझ रहे हो बस, और उसके बाद आप नीचे डेलीगेट कर रहे हो, आप ऑब्वियसली मैनेज कर रहे हो चीजों को, लेकिन वो उतना बर्डन नहीं है आपके ऊपर उस चीज का कि आपको ही खुद से कॉल करनी है। ऑब्वियसली जब आपको मैनेजमेंट रोल मिलता है तो और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको लेनी ही पड़ेंगी आप किसी भी रोल पे, ठीक है। सो अब ये होगा कि आपके नीचे 4 रिक्रूटर्स काम कर रहे हैं, आप ऊपर से सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है, और आगे भी आप रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में आगे भी आप कहीं मूव कर सकते हैं, करियर अगर आप स्विच कर रहे हैं तो भी मैंने बताया, क्योंकि आप इतने सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से कनेक्टेड हैं, इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जॉब रोल से कनेक्टेड है, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पता है, तो करियर स्विच करना इजी होगा। देखिए अब ये तो हो गई ना सब बहुत गुड गुड वाली बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात है कि भाई रिक्रूटमेंट एजेंसी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या चीजें पॉजिटिव हैं। अगेन मैं कह रही हूँ कंपनी टू कंपनी बहुत सारी चीजें डिफर करती हैं, जिस भी कंपनी में जाएं उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी जरूरी है, ब्लाइंडली इस सेशन को देख के ना जाएं कि हाँ भाई ये मैंने देखा था ऐसा 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 मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी, इनमें से हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना मिले, ठीक है। तो ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि उस कंपनी का ब्रांड कैसा है, वो कंपनी सच में क्या पॉलिसीज रखती है, ये सिर्फ क्या आपको इंटरव्यू वाले दिन बताया जा रहा है कि हाँ ये सब मिलेगा, या वो सच में भी मिलता है। तो प्लीज रिव्यूज देख लें लिंक्डइन पे, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं या फिर एक्स एम्प्लॉयज रहे हैं उनसे कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, बहुत तो डिफिकल्ट नहीं है आजकल, इनफैक्ट कंपनी विजिट कर सकते हैं, आसपास से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, तो वो सब इंक्वायरी कर लें उसके बाद ही ज्वाइन करें। अब देखिए देखते हैं चैलेंजेस क्या है, ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसके लिए भी हम अवेयर होने चाहिए। सबसे पहला जो हो सकता है वो देखिए हाई प्रेशर एनवायरमेंट। अब हाई प्रेशर एनवायरनमेंट ना वैसे कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जॉब में प्रेशर हो सकता है कि भाई टारगेट्स हैं टारगेट्स हैं, लेकिन अब देखिए क्योंकि रिक्रूटमेंट ना बहुत ही फास्ट पेस्ड और चैलेंजिंग हो चुका है, स्पेशली जब हमें डील करनी हो ना टाइट डेडलाइंस या फिर क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस, तब हमें प्रेशर फील हो सकता है। क्यों, जैसे मेरी फिक्स्ड सैलरी थी कुछ अमाउंट की, अब मैं वेरिएबल क्या सोच रहा हूँ यार, इस बार मैं अगर 10 कैंडिडेट्स दे दूँ ना तो मेरा इतना इतना अमाउंट बैठ जाएगा, अब क्या हो रहा है मेरे 6 या 8 कैंडिडेट हो रहे हैं, अब 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, अब मेरे पे बहुत प्रेशर आ रहा है, जो वो 6-8 कैंडिडेट्स थे उनको हायर करने में इस बार मेरी बुरी हालत हो गई, हो ही नहीं पा रहे थे वो हायर, तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर फील कर सकते हैं, और फिर हम डीमोटिवेट भी फील कर सकते हैं, यार इस बार तो इतना ही अमाउंट बैठा, इतना बैठ जाता था तो मुझे लगता था कि हाँ भाई कुछ सैलरी आ रही है, नहीं यार मुझे तो मूव करना है यहाँ से, ठीक है, मतलब ऐसी फीलिंग आ सकती है। हाई प्रेशर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको हमेशा बोला जाता है 10 आज पूल दिया गया, भाई नहीं ये 15 आपको टारगेट पूरे करने हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ी वाली चीज़ हो गई, राइट, तो यहाँ पे भी हम फील कर सकते हैं बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है देखिए कैंडिडेट रिजेक्शन, जो कि रिक्रूटमेंट में या एचआर में अगर आप हैं तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़, भाई कैंडिडेट की साइड से रिजेक्शन हो सकता है, कंपनी की साइड से रिजेक्शन हो सकता है, दोनों साइड के रिजेक्शन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। इवन इफ आप कितने सारे फिल्टर्स पहले से लगा लो, कितने सारे आप फैक्टर्स यूज कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने भी बहुत सारे सेशन उस पर बनाए हैं कि अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो यू नो रिजेक्शन कम आएंगे, रिजेक्शन तो हमेशा आएंगे, कैंडिडेट्स खुद भी रिजेक्ट कर सकते हैं पोजीशन को, प्रोफाइल को, और कंपनी भी रिजेक्ट कर सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम सोच रहे हैं यार बस अब ये हो ही गया, और एंड मोमेंट पे पता चला यार कैंडिडेट ने ज्वाइन ही नहीं करा, ठीक है, कैंडिडेट ने ज्वाइन ही नहीं करा, उस केस में क्या करें, अब क्या करें, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, यू हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली और विद टैक्ट एंड विद एम्पैथी, अपने आप को कूल करके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का माइंड अपने अकॉर्डिंग चलता है, मतलब आप कितना बहुत बार हम कितनी कोचिंग मेंटरिंग काउंसलिंग या फिर जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो भी कर दें, लेकिन वो फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि उनका मूव हो जाता है, माइंड वो नहीं रेडी होते, प्रिपेयर नहीं होते, कैंडिडेट्स स्टार्टिंग से कह रहे होते हैं और फिर नहीं होते। अब जैसे कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग पूछने आते हैं यहाँ पे कि मैम ये ज्वाइन कर लें नहीं कर लें, बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड भी होते हैं कई बार, मतलब सारी बात पूछने के बाद भी उनका ये कंक्लूजन वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि सारी चीज़ पता है उनके सामने, तब भी भाई ज्वाइन करें नहीं करें, पता नहीं वो करते भी हैं नहीं करते हैं कहीं पर भी ज्वाइन, किसी भी कंपनी के लिए जब पूछते हैं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार सोचते हैं, कई बार सारी चीज़ें सही भी लग रही होती है तब भी नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। सो ये एक यू नो इमोशनल सेटबैक भी मिल सकता है और टायरिंग भी लग सकता है, क्यों नहीं वैकेंसीज फिल हो रही है, ठीक है। और
थर्ड जो है देखिए ये ना सेल्स ओरिएंटेड अप्रोच है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करना इज लाइक कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉल सेंटर कोई बुरी चीज नहीं होती, कस्टमर केयर कोई बुरी चीज नहीं है। जब मुझे कोई इस तरीके से कमेंट्स में पोस्ट करता है कि भाई मुझे ऐसा फील आता है कि कस्टमर केयर एग्जेक्टिव हूँ मैं या वो हूँ, मेरे कुछ फनी सेशंस भी है जिसमें मैंने इसके बारे में बात किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी कोई भी प्रोफाइल ऐसा नहीं होगा। आप क्या चीज चाहते हैं क्या चीज नहीं करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। सारे प्रोफाइल अच्छे हैं, कॉलिंग करना कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप किसी से, आप खुद भी कॉल करके अपनी क्वेरी किसी से डिस्कस कर रहे हो तो वो भी कॉल ही, और वो सामने से आपकी क्वेरी सुन रहा है। अगर वो आपकी क्वेरी ना सुने तो आपकी क्वेरी कैसे सॉल्व होगी। तो कस्टमर केयर जॉब है या कॉल सेंटर जॉब है, कस्टमर एग्जेक्टिव, कस्टमर सपोर्ट है, या रिक्रूटमेंट प्रोफाइल है जिसमें हम कॉलिंग करते हैं, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो खराब है। ये बात जरूर है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है या नहीं आता, आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं सेल्स ओरिएंटेड अप्रोच इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी का कहीं ना कहीं फोकस वही सेल्स ओरिएंटेड है। जितने कैंडिडेट्स होंगे उतना अमाउंट मिलेगा, उतना ही हम अपने एम्प्लॉयज को दे पाएंगे, ठीक है। सो ये सबकी प्रेफरेंस नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये प्रेफरेंस वाली बात है, इंटरेस्ट वाली बात है, कि आपको अगर नहीं मन कर रहा है या आपको इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने में इस तरीके की, जहाँ पे आप कॉल करते रहें बात करते रहें, इतना मन नहीं करता आपको किसी से बात करने का, तो ये चीज प्रॉब्लमैटिक आपके लिए हो सकती है, क्योंकि कॉल्स आपको बहुत ज्यादा इसमें करनी ही पड़ती हैं। तो अगर आपको बात करने का इतना शौक नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है उस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि अक्सर लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगती हैं इस प्रोफाइल के में होते हुए। और इसके अलावा तो और कुछ भी ऐसी इंडिविजुअल कंपनी में प्रॉब्लम हो सकती है, वर्क एनवायरनमेंट या ये सब चीजें तो कहीं पर भी हो सकती हैं, लेकिन स्पेशली अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करें तो ये सारी चीजें हैं, इसको कंसिडर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो ये अपॉर्चुनिटी है आपको लेनी है नहीं लेनी है, ये कम्प्लीटली पर्सनल गोल्स पे, इंटरेस्ट पे और आपके अपने वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अगर आपका इंटरेस्ट है पीपल में, इंजॉय करते हैं आप नेटवर्किंग, और यू नो आप विलिंग हैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के, या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन है इस करियर में। क्योंकि अगर आपको अपना काम करना है रिक्रूटमेंट का, फ्रीलांसिंग भी करनी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी ओपन करनी है, आप कहते हैं यार थोड़े टाइम जॉब कर लें 5-10 साल, फिर उसके बाद यार कुछ अपना काम सेट करें, तो जो अपना काम सेट अगर आप करना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट एजेंसी आप अगर खोलना चाहते हैं एचआर में, तो ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक से पता चलेगा कि एक्चुअल में रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम कैसे होता है, वहां रहते रहते आपको इसके बहुत सारे बेसिक्स पता चलेंगे, और वो वहीं रह के पता चल सकते हैं, बाहर बाहर से नहीं पता चल सकते, ठीक है। सो मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे आप ज्वाइन करें नहीं करें, मेरा पॉइंट आपको सिर्फ प्रोज और कॉन्स बताना है, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आई होप सो मैंने बहुत सारी क्वेरीज यहाँ सॉल्व कर दी हैं, क्योंकि बहुत अनलिमिटेड क्वेरीज जगह जगह मेरे प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं इसी से रिलेटेड, और बहुत समय से आ रही हैं, तो मैंने कहा यार एक सेशन तो इस पे बनता है, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट्स हेल्पफुल यार बताओ कमेंट सेक्शन में कि हेल्पफुल है, और प्लीज शेयर करो। आप एचआर्स हो, आई नो बहुत सारे लोग रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, एचआर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज में हैं, कंपनीज में, रिक्रूटमेंट एजेंसी के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे है, तो यार एटलीस्ट बताओ कि हाँ ये जो पॉइंट्स हैं आप इनसे यू नो एग्री करते हो नहीं करते हो, और आपके क्या व्यूज, राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।